जय हिंद दोस्तों, आज का इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक इम्पोर्टेंट अहम भूमिका निभाती है, तो ज्योग्राफी को शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। और ज्योग्राफी का जिस टॉपिक पढ़ेंगे उसका एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे और जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यह फर्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें भारत का स्थिति को देखने वाले हैं, यानी कि भारत का सामान्य जानकारी लेने वाले हैं। तो क्षेत्रफल का दृष्टि के अनुसार भारत जो है विश्व में 7th स्थान पे आता है, यानी कि हमारा भारत जो है विश्व में 7वां स्थान में क्षेत्रफल के अनुसार आता है। तो क्षेत्रफल में पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा का है, तीसरा चीन का है, चौथा अमेरिका का है, पांचवा ब्राज़ील का है, छठा ऑस्ट्रेलिया का है और 7वां में अपना भारत है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक बनाया है, तो रुक चीन अब आ भारत। तो यहाँ रू का मतलब रूस हो गया, को का मतलब कनाडा हो गया, ची का मतलब चीन हो गया, ओ से अमेरिका हो गया, ब से ब्राज़ील हो गया, आज से ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत यानी कि अपना भारत। तो भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें, टोटल क्षेत्रफल तो 32,87,263 वर्ग किमी है। तो भारत का मैप है, हम मैप से ही पूरा ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। तो भारत का जो है पश्चिम से पूर्व, टोटल 2933 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और अगर आप उत्तर से दक्षिण की बात करें तो यह 3214 किलोमीटर है। कई बार एग्ज़ाम में यह पूछा गया है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263। अगर हम उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात कर ले तो 3214 किमी, और पूर्व से पश्चिम की बात कर ले तो 2933 किमी। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान पे था, लेकिन अब प्रथम स्थान पे आ गया है। तो पहला स्थान पे चीन था, चीन को छोड़कर भारत फर्स्ट स्थान पे आ गया है, सेकंड नंबर चीन है और थर्ड स्थान पे अमेरिका है। तो नेक्स्ट बात करने वाले हम भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी कि 2.42% मात्र है। और जनसंख्या की बात कर ले तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की बात जो है यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो नेक्स्ट देखने वाले हम भारत का जो जलीय और स्थलीय सीमा है उसको देखने वाले हैं। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है यह 15,200 किमी है, और भारत का मुख्य भूमि का जलीय भाग जो है मुख्य भूमि से जलीय भाग 6100 किमी है, और भारत का कुल जलीय भाग 7516.6 किमी है। तो यह कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो फिर से आप एक बार देखिए। भारत का स्थलीय सीमा की बात कहा जाए तो 15,200 है, और भारत का मुख्य भूमि से जलीय सीमा की बात किया जाए लंबाई की तो वह 6100 है। लेकिन जब भारत का कुल जलीय सीमा का बात किया जाए तो कुल में जो है मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल होता है। तो यह कुल जलीय सीमा की बात किया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा जो है, भारत में सबसे बड़ी जलीय सीमा गुजरात स्टेट बनाता है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। यानी जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा में गुजरात सबसे बड़ा जलीय सीमा बनाता है, और अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो बांग्लादेश सबसे बड़ा सीमा बनाता है। भारत के 9 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश जिनका जलीय सीमा लगता है, तो कौन कौन है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और 4 केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान और द्वीप। नेक्स्ट देखने वाले हम
भारत की स्थिति और विस्तार। तो ज्योग्राफी को पूरा बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं और पूरा हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो भारत के स्थिति और विस्तार की बात करें तो देखिए यह ग्लोब यहाँ दिया गया है, इसमें जो है भूमध्य रेखा की समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएँ अक्षांश कहलाती है। तो इसमें आपको पहले ये देखना है कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। तो बीच वाली रेखा जो है यह हमारा भूमध्य रेखा है और इसकी समांतर जो काल्पनिक रेखा खींची गई है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ये जो उत्तरी ध्रुव है, ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है, इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसे देशांतर रेखाएँ कहते हैं। नेक्स्ट है भारत जो है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध यानी हमारा इंडिया जो है इसमें है, यह उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर तो इसमें है हमारा इंडिया। तो भारत की स्थिति की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर पर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए भारत का स्थिति और विस्तार जो है इसे हम कैसे याद रखेंगे। भारत का जो मुख्य भाग है 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक है और 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच है। तो इस पॉइंट को हम समझते हैं। भारत का अगर किसी अंग के ऊपर यह सिंबल है तो वह डिग्री माना जाता है और ये सिंबल को इंच माना जाता है। और भारत का जो विस्तार है यह मुख्य भाग से 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश में जाएंगे, उत्तरी अक्षांश ऊपर है, नीचे 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक है और 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर के बीच है। यह एक ट्रिक भी बनाया गया है, जैसे देखिए यहाँ 68 से आपको 97 में आना है तो 68 में 6 में 1 जोड़िए 7 8 में 1 जोड़िए 9 हो जाता है। उसी तरह यहाँ 84 है, यहाँ 37 है, जब 37 में 3 में 1 जोड़िएगा 4 होगा, 7 में 1 जोड़िएगा 8 होगा। तो इससे आप कोडिट करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हम, देखिए एक होता है ग्रीनविच। ग्रीनविच क्या होता है, ग्रीनविच को शॉर्ट में GMT भी कहते हैं। इसके आधार पर समय का आकलन किया जाता है, ग्रीनविच के आधार पर ही सभी देशों का समय का आकलन किया जाता है। 1 डिग्री देशांतर रेखा में यानी कि ग्रीनविच में 1 डिग्री देशांतर रेखा इक्वल टू 4 मिनट होता है और 15 डिग्री देशांतर रेखा 60 मिनट यानी 1 घंटा होता है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं भारत का मानक समय रेखा। हमारा इंडिया में जो टाइम चलता है मानक समय रेखा वह कहाँ से लिया गया है उसके विषय में बात करने वाले। तो भारत का मानक समय रेखा जो है यह भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अक्षांशीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। तो भारत में जो मानक समय माना गया है यह इलाहाबाद में नैनी के समीप जो गुजरने वाली है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, इसे भारत का मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय जो है यह ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत का टाइम जो है ग्रीनविच से कितना टाइम आगे या पीछे है, तो 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच से आगे है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह भारत का 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है इसके विषय में हम देखने वाले हैं। पहला राज्य UP है, उत्तर प्रदेश, सेकेंड है MP, मध्य प्रदेश, थर्ड है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, पांचवा है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट है जिनसे होकर
85 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत का मानक समय रेखा है वह गुजरती है। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम लोग कर्क रेखा। तो कर्क रेखा एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है हम उसे देखने वाले हैं। तो कर्क रेखा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर यह किस किस राज्य होकर गुजरती है उसे देखने वाले। पहला है गुजरात, गुजरात के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है त्रिपुरा, उसके बाद आता है मिजोरम। एक यहाँ झारखंड छूट रहा है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल जो है इसका कुछ हिस्सा कवर करता है। तो इसका एक ट्रिक है कर्क रेखा से रिलेटेड कि मित्र पर गमछा झाड़। तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। नेक्स्ट देखने वाले हम भारत का दूरस्थ बिंदु। भारत का जो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी न किसी मैंने कि हर एक एग्जाम में कभी न कभी पूछा ही गया है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें, जो उत्तर में भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है यह इंदिरा कौल है, और भारत की सबसे दक्षिणम बिंदु की बात करें तो यह इंदिरा पॉइंट है, और भारत की पूर्वी बिंदु की बात करें तो यह किबितु है, और यह इसे ही वलांगू भी कहते हैं, यानी कि यह दोनों नामों से जाना जाता है। और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यह सर क्रीक है। तो याद रखिएगा भारत का उत्तरी उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कौल, और नीचे की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, और साइड में किबितु है, वलंगू है, और पश्चिम तरफ सर क्रीक है। नेक्स्ट देखने वाले हम भारत की जो पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश जो भारत से सीमा बनाता है उन सभी देश को देखने वाले हैं। तो भारत का 7 सीमावर्ती देश है और भारत के 9 पड़ोसी देश है। सीमावर्ती देश और पड़ोसी देश दोनों में अंतर है। सीमावर्ती से संबंधित है कि भारत के साथ सीमा लगता है, और पड़ोसी देश से संबंधित है कि जितने भी देश सीमावर्ती है वह तो भारत के पड़ोसी है ही, कुछ है जिसका सीमा जल से लगता है, यानी स्थलीय सीमा नहीं लगता है, जलीय सीमा लगता है, तो वह भी भारत के पड़ोसी देश हैं। तो भारत के 7 सीमावर्ती देश देखने वाले हैं पहले, तो यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। दोबारा देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। ये 7 देश है जिसके साथ हमारी सीमा लगती है। नेक्स्ट है पड़ोसी देश की बात करें तो 7 सीमावर्ती देश था, इसके साथ साथ श्रीलंका और मालदीव ये दोनों भी जुड़ जाती है, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो नेक्स्ट बात है भारत की सबसे लंबी सीमा जो है यह बांग्लादेश के साथ लगती है, कितना लगती है तो 4096 किलोमीटर, और भारत की सबसे कम सीमा जो है यह अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इम्पोर्टेंट बना है कि भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट तो भारत का कुछ राज्य जो है इसका कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि जैसे भारत का पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के किस पड़ोसी देश के साथ भारत का किस किस स्टेट का सीमा बनता है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश है वह किस किस राज्य से सीमा बनाती है यह हम देखने वाले हैं। तो पहला बात करते हैं पाकिस्तान नल्ला की। तो पाकिस्तान का जो सीमा है भारत का 5 स्टेट से लगता है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर, पांचवा है लद्दाख। तो याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन 5 राज्यों का सीमा पाकिस्तान से लगता है। नेक्स्ट देखने वाले हम बांग्लादेश। बांग्लादेश का ही सीमा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
बांग्लादेश से जब भी क्वेश्चन पूछा गया है तो यह नहीं पूछा गया किन राज्यों से सीमा लगता है, यह पूछा गया कि किन किन राज्यों से सीमा नहीं लगता है। तो भारत का जो 5 स्टेट है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इन 5 स्टेट का सीमा बांग्लादेश से लगता है। और नागालैंड और मणिपुर जो है इसका सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है। और एग्ज़ाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का किन राज्यों का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है, तो याद रखिएगा नागालैंड और मणिपुर। नेक्स्ट देखने वाले हम भूटान और म्यांमार को। तो भूटान के साथ 4 स्टेट सीमा बनाता है और म्यांमार के साथ भी 4 स्टेट। तो भूटान के साथ साथ कौन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यह म्यांमार के साथ बनाता है। नेक्स्ट देखने वाले हम तो बांग्लादेश को तो हम देख ही लिए हैं, नेपाल और भूटान को भी देख लिए हैं, नहीं नेपाल को देखते हैं, नेपाल और भूटान इसको इस स्लाइड को कंप्लीट नहीं किया है। तो नेपाल के साथ भी 5 स्टेट सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। नेक्स्ट है भूटान, भूटान के साथ 4 स्टेट सीमा बनाता है, पहला है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है चीन, चीन के साथ 5 स्टेट सीमा बनाता है, पहला है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये इसको इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा तो यहाँ हमारा थ्योरी सेक्शन जो था वह कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो थ्योरी सेक्शन में जो हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन को हम कवर किए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का स्थिति है। तो भारत का स्थिति हम क्या बताए थे, तो भारत का स्थिति जो है नंबर ए सही होगा, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के बीच भारत का स्थिति है। तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, भारत की आकृति क्या है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। और तो इसकी बात करें तो भारत की स्थिति जो है यह चतुर्थ कोणीय है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो आपको विस्तार हम बताए थे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत का तट रेखा की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जो है यह जमुई द्वीप का अंग था। नेक्स्ट है इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है। तो क्वेश्चन आपको बताएं, 5 घंटा 30 मिनट इसका सही आंसर होगा, 5 घंटा 30 मिनट इंडियन टाइम ग्रीनविच से आगे है। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है यह विश्व का 2.4% है। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य समुद्र तट से सीमा बनाता है, तो इसका सही आंसर होगा 9। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणम बिंदु क्या है। तो भारत का दक्षिणम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल था। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत की सबसे दक्षिणम बिंदु, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सारे पॉइंट जो है पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और पिंगमेलियन पॉइंट, ये सभी इंदिरा पॉइंट के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो भारत की सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यह बांग्लादेश के साथ है।
नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण सीमा क्या है। तो भारत का मुख्य भूमि से सबसे दक्षिण सीमा जो है कहाँ है, इसका सही आंसर होगा 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मानक समय आधारित है। तो भारत का मानक समय जो है यह 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर आधारित है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़े देश का है। ट्रिक क्या था, रुक चीन। तो चीन जो है वह तीसरे स्थान पर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे पश्चिमी भाग क्या है। तो भारत का सबसे पश्चिमी भाग की बात करें तो सर क्रीक है। इंडिया कॉल जो है सबसे उत्तरी है, इंडिया पॉइंट सबसे दक्षिणी है, और ओलांगो जो है पूर्वी भाग है, और सर क्रीक पश्चिमी भाग। तो गाइस ये टोटल फर्स्ट लेसन नहीं, भारत का भूगोल का जो बेसिक है उससे रिलेटेड थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। धन्यवाद।